अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शावरमा की रेसिपी। हमने लिया मायनीस, वाइट सॉस जो हम इसकी तैयार करेंगे उसके लिए है ये। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मचे के करीब क्रीम, ड्राइड इंग्रेडिएंट्स जो डालेंगे उसमें है ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, सॉल्ट, चीनी। इन सब चीज़ों को डालकर इसको कर लेंगे हम मिक्स। में जाएगा थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा ऑयल, लेमन जूस, सिरका, लेमन जूस वगैरह सब 1-1 चम्मच जाएगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन। ये वाली सॉस हो चुकी है रेडी। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं अपने। जी तो हमने सेकेंड स्टेप के लिए ले लिए हैं यहाँ वेजिटेबल्स, जिसमें ये है कैबेज, प्याज, कैरेट, गाजर, खीरा, शिमला मिर्च और ये थोड़ा सा सलाद पत्ता लिया है मैंने। ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते आपकी मर्ज़ी है। तो हम थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ इसमें, इसके लिए हमने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालें। थोड़ा सा सिरका, लेमन जूस, सॉल्ट और इस सब को हम कर देंगे बहुत अच्छे से मिक्स। जी तो ये हो गया है बहुत अच्छे से मिक्स। अब हम इसको कर देते हैं साइड पर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप के लिए हमने ले लिया है दही। इसमें हम डाल देंगे लेमन जूस, साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। हमने 1/4 चम्मच जो है वो काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा जो है नमक ऐड किया इसमें। तो हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। खीरा जिसका हमने पानी निकाल के रख लिया था वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। पुदीना और लहसुन, ये सब डाल के हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। यह अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। जी तो फोर्थ स्टेप के लिए हमने लिए है ये बड़ी वाली मिर्चें, इसको हमने भिगो कर रख दिया था। प्याज ली है, लहसुन लिया है, तिल लिए हैं। तो हम इसको अच्छे से पीस देंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर डाल देंगे लेमन जूस, थोड़ा सा ऑयल, सिरका, जीरा, काली मिर्च और नमक। अब हम इसको बहुत अच्छे से पीस लेंगे, फिर उसके बाद आपको इसकी सॉस दिखाते हैं। जी तो हमारे चारों स्टेप हो चुके हैं रेडी। हमारी चटनी भी तैयार है, हमारी दही जो है खीरे वाली वो भी तैयार है, साथ में हमारा मायनीज भी तैयार है और हमारी सैंडविच भी तैयार है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेप के जानेब, यानी चिकन को मैरिनेट करके उसको फ्राई करेंगे। जी तो अब हम आ गए अपने फिफ्थ स्टेप के जानेब, यानी कि चिकन की तरफ। तो चिकन हम फ्राई करने जा रहे हैं क्योंकि हमने मैरिनेट नहीं की, हम डायरेक्ट डायरेक्ट मसाला डालेंगे उसमें। सही है, उसके लिए हमने ले लिया है पहले ऑयल, ज़्यादा नहीं लेंगे हम ऑयल, और इसमें ये चिकन शामिल कर देंगे अपनी। इसको हम करेंगे फ्राई। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लहसुन जो कि हमने कुचल के रखा हुआ था अपने पास,
अब हम इसको करेंगे बहुत अच्छे से, इसके साथ भूनेंगे लहसुन के साथ। फिर उसके बाद इसमें हम अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब हम इस स्टेप पे जो डालेंगे ब्लैक पेपर, नमक और रेड चिली पाउडर, इसको भी हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस, थोड़ा सा सिरका और दही। तक हमारी चिकन हो रही है तैयार, जब तक हम जो है वो अपनी पीटा ब्रेड की तरफ चलते हैं। हमने रेडीमेड पीटा ब्रेड ली थी, अब हम इसको करेंगे हल्का हल्का फ्राई। कलर बहुत अच्छा आ गया है, इसी तरह से हम तमाम पीटा ब्रेड फ्राई कर देंगे। जी तो हमारी चिकन भी हो चुकी है बहुत अच्छे से रेडी, अब हम अपने रोल तैयार करते हैं। जी तो अब हम इसके लिए लेते हैं पहले रेड सॉस, जो हम इस पे लगाएंगे अच्छे से। अब हम इस पे लगाएंगे चिकन। जी तो हमने इस पे रख दिए चिकन, अब हम इस पे डालेंगे अपनी दही जो हमने खीरे में ऐड करके रखी हुई थी। सही है, इसमें डालेंगे सैलेड, ठीक है। अब हम इस पे डाल देंगे मायनीज, जो कि हमने तैयार करके रखा था क्रीम और मायनीज, वो हम इस पे डाल देंगे। हमारा रोल हो चुका है रेडी, अब हम इसको बहुत अच्छे से कर देंगे पैक। आई होप कि आपको रोल की ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आई होप कि शावरमा की ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी शेफ़ उमा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।